Francis. अभ्यास की शुरुआत शशांक आसन से करेंगे, मैट के आखिरी में वज्रासन में बैठे हैं। शशांक में जिनको दिक्कत है वो शांत शीतोष्णासन करेंगे। नीको वाइड करें, श्वास भरें, स्पाइन लंबी, श्वास छोड़ते हुए आगे बढ़ें। दोनों हाथ के बीच बीच में शोल्डर रबर डिस्टेंस है, फेस को कीप रिलैक्स। यहां से अब हम उच्छ्वानासन के लिए अपने हाथ को आगे ही रहने दें, धीरे धीरे अपर बॉडी को ऊपर उठाएं, अंदर करें, घुटने को करीब लाएं शोल्डर डिस्टेंस से, और पूरा अधोमुखान के लिए नीको बैंड रखे। शुरुआत में आपकी स्पाइन को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की कोशिश करें। अब धीरे धीरे दोनों पांव को सीधा करें, शोल्डर प्रेस करके, साथ ही से श्वास लें, धीरे धीरे दोनों घुटने को नीचे करें, हथेली को पीछे कंधे की लाइन पे लाएं। मार्जरी आसन की तैयारी, आपका नी और हिप एक लाइन पे रहे, थोड़ा पीछे तो आपका शोल्डर एक लाइन पे, फिंगर ओपन रखे। श्वास लेते हुए हेड को अप करेंगे और आपका लोअर बैक डाउन हो जाएगा। ये स्थिति है, ये पूरे स्पाइन के लिए तैयारी है। श्वास छोड़े, राउंड से बैक करें, किस तरह से चेस्ट को हमने पुश किया, शोल्डर प्लेट को ब्रॉड किया, अपर स्पाइन ऊपर, सिर नीचे। इनहेल, हर बार श्वास लेते हुए ऊपर, लोअर बैक डाउन, आपका पांव की स्थिति फिक्स रहे और सिर्फ स्पाइन गर्दन सिर का मूवमेंट। श्वास छोड़ते हुए आप पीछे, इनहेल आप दृष्टि को बंद भी रख सकते हैं ताकि आप फील कर सकें। एक्सहेल राउंड, इनहेल आप, एक्सहेल राउंड, इनहेल आप। कंप्लीट बैक पेन में रिलीफ भी है, स्पाइन को वार्म करता है। श्वास छोड़ते हुए सिर नीचे, अपर बैक अप, इनहेल अप। अब यहां से मेरुदंड संतुलन के लिए पांव की उंगलियां अंदर करें, अपने राइट लेग को पैरेलल टू फ्लोर उठाएं, दाहिना पांव, फिर बाया हाथ को धीरे से श्वास लेके उठाएं, दृष्टि सामने रखें, फेस कीप रिलैक्स, श्वास ले छोड़े, उंगलियां खुली हुई, धीरे से वापस चेंज करेंगे। पांव की उंगलियां अंदर रखने से आपका संतुलन बेहतर होगा। लेफ्ट लेग ओपन, ऊपर उठाएं, फिर राइट, तो आपका पांव इतना ज्यादा नहीं उठे जैसे आप देख रहे हैं कि ये ज्यादा है, इसको पैरेलल करेंगे, और यहां पर पांव कम है तो इसको आपको इतना उठाना है कि पैरेलल टू फ्लोर हो जाए। अब धीरे से वापस आए, अधोमुख के लिए फिर से हाथों को सामने लाएं। अधोमुख श्वानासन फुल बॉडी स्ट्रेच है, आपका पूरा ला रहे हैं यहाँ लाइए, और आपका थाई और नी एक लाइन पे रहे, पंजे को बाहर में रखें, आप पीछे का पांव पीछे स्ट्रेस, श्वास भरे, स्पाइन लंबी, छोड़ते हुए आगे झुके थाई के ऊपर। अगर सिर ना लगे तो आप हाथ का सपोर्ट दे सकते हैं इस तरह से।
ऊपर ऐसे रख सकते हैं, जो भी कंफर्ट। फिर पांव को पूरी तरह से स्ट्रेच करना है, एक तरफ हिप अगर ड्रॉप हो रहा है तो ये रॉन्ग पोजीशन है, आपको अलाइन करना है दोनों हिप। अब धीरे धीरे इस स्थिति में रहें जब तक कंफर्ट हो, फिर हाथ को बाजू में लाएं, श्वास लेते हुए स्पाइन को लेंथन करें, इसे श्वास छोड़ते हुए अधोमुख आगे वापस। अब राइट को सेंटर में रखेंगे, लेफ्ट को श्वास लेते हुए ऊपर उठाएं, धीरे धीरे सीधा पांव उठाना है। आप देख रहे हैं कि एकदम से सीध, एक सीध में पांव को हिप के लाइन से उठाया गया, यही स्थिति चाहिए। श्वास छोड़ते हुए बैंड कर रहे हैं और अपने नी को ठीक लेफ्ट हाथ के बगल में, नी और थाई एक लाइन में, श्वास लेके स्पाइन को पहले लेंथनिंग किया गया, पांव को राइट को पूरी तरह से बाहर किया गया पॉइंटेड रखते हुए, श्वास छोड़ के फिर फॉरवर्ड बेंड करेंगे। किसी को कंफर्ट नहीं है कि फॉरवर्ड में दिक्कत है तो आप इसी स्थिति में रह सकते हैं, ये पूरे लेग को इमीडिएट रिलैक्स करता है, आपके हिप फ्लेक्सेस को ओपन करके ये फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। शांति के लिए भी बेहतरीन आसनों में से एक है, राजकपूत आसन का ये प्रकार है। फाइनल स्थिति काफ़ी चैलेंजिंग हो सकती है तो ये एक मॉडिफिकेशन। अब बगल में हाथ रखें, श्वास लें, धीरे धीरे ऊपर उठें और श्वास छोड़ते हुए अधोमुख श्वास। तो सूर्य नमस्कार से पहले ये कुछ ओपनिंग आसन चल रहे हैं जो आपके हिप थाई को स्ट्रेच करके फुल बॉडी को सूर्य नमस्कार में कंफर्ट के लिए तैयार करता है। अब धीरे से राइट लेग को सामने लाएं अंजनी आसन के लिए, 90 डिग्री पे फिक्स करें, अपने लेफ्ट नी को नीचे रखें, आपके पांव और अगले पांव में घुटने में दूरी पर्याप्त हो ताकि आप लेफ्ट थाई में स्ट्रेच फील कर सके। अब यहाँ से अपने दोनों हाथ को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएं, जिनको कंफर्ट नहीं है वो घुटने के ऊपर भी रख सकते हैं। अब यहाँ से धीरे धीरे ओपन करने के बाद सिर को पीछे ले जाएं, फिंगर ओपन, जितना चेस्ट ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये पोजीशन नहीं बदले और नी 90 डिग्री, यानी एंकल और नी और थाई एक दूसरे से पैरेलल होते हुए 90 डिग्री। अब वापस आएंगे, किसी को घुटने पे प्रेशर बने तो घुटने के नीचे कुशन या गद्दी सपोर्ट कुछ लगा सकते हैं। अधोमुख श्वानासन वापसी, तुरंत इस आसन करने के बाद आपको फील होगा कि मेरा शरीर एक पांव ज़्यादा ओपन है एक कम, क्योंकि जहाँ स्ट्रेच होगा वहाँ एक ओपनिंग फील करेंगे। लेफ्ट लेग स्टेप फॉरवर्ड, धीरे से लाना है, आपका लेफ्ट पंजा जब नीचे आए तो आप देख रहे हैं कि ये ख्याल में रखना है कि ये आपका हील और हिप एक लाइन पे रहे। अब यहां से हाथ को उठाएंगे, लेकिन आप जब ऊपर उठे तो ख्याल रहे आपका घुटने का स्थिति बदले नहीं, तो पर्याप्त दूरी नहीं रहेगी तो राइट थाई पे आपको स्ट्रेचिंग फील नहीं होगी। फिंगर ओपन रहेगा, सिर को पीछे अगर कंफर्ट हो तो ले जा सकते हैं हेड बैक। अब धीरे से वापस अधोमुख श्वानासन। फुल बॉडी स्ट्रेच अधोमुख में होता है, इसलिए इसको बार बार हम अभ्यास करते हैं। अब हाथों से चलते हुए पांव की ओर बढ़ेंगे, जहां दिक्कत लगे वहां देखते हैं कि शादी का यहां नी बेंड कर लिए तो आपको कंफर्ट रहता है, फिर झुके रहें। अब एल्बो को बेंड करें, खासतौर पर ऐसे लोगों को जिनका हाथ जमीन के तरफ आता है। अब यहाँ इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी स्पाइन लंबी हो, किसी को दिक्कत है जैसे बैक पेन है तो नी को बेंड करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा है स्पाइन को बेहतर करने के लिए। ग्रेविटी की वजह से आपका स्पाइन को ज़्यादा ओपनिंग का मौका मिलता है, स्ट्रेंथ डेवलप होता है अपर बॉडी में, लोअर बॉडी में स्ट्रेच होता है। अब हाथ खोलते हुए श्वास लें और ऊपर की ओर आए, साथ साथ आप भी अभ्यास करते रहें। अब प्रणाम स्थिति और समय स्थिति में हाथ फिर नीचे मैट के सामने आए। तो ये सूर्य नमस्कार के पहले की साधना है जिसमें आप अपने हिप थाई हिप फ्लेक्सेस एरिया को ओपन करते हैं ताकि बहुत अच्छी मोबिलिटी आपको सूर्य नमस्कार में फील हो। समय स्थिति में प्रणामासन सूर्य नमस्कार की पहली स्थिति। सूर्य नमस्कार सही सही करना बहुत जरूरी है,
अगर आप पहली बार सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो ध्यान से एक एक स्टेप्स को समझे और फिर साधना में हम हमारे साथ सम्मिलित हो। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। इनहेल तो हाथ को छाती के बराबर खोलेंगे और फिर पीछे जाएंगे। कई लोग जोड़ते हैं, उससे छाती ओपन नहीं होती है। श्वास छोड़ते हुए बेंड फॉरवर्ड धीरे धीरे। जहां अगर लगे कि आप नहीं झुक पा रहे पूरा, तो नी को बैंड कर सकते हैं और सिर को जमीन की तरफ छोड़े, हाथ को बाजू में रखें। राइट लेग से पीछे जाएं और लेफ्ट लेग को 90 डिग्री बनाना। कई लोग यहीं पे चैलेंज को बिगाड़ देते हैं। अगर घुटना आगे बढ़ जाता है, जैसे ये रॉन्ग पोजिशन, आप थोड़ा सा बढ़ाइए, तो ये रॉन्ग पोजिशन, तो ये नहीं करना है। जिस तरह से इन्होंने किया था नरेंद्र जी ने 90 डिग्री पर, उसी को बनाए रखना। हथेली को, इन तीनों को एक लाइन में रखना, दृष्टि सामने होगा। अब यहां से दंडासन, पांव को हमने पीछे ले गए, कंधे को पीछे नहीं ले जाना है। कंधा आपका देखिए यही रहे, सिर उठा हुआ, ये स्पाइन के लाइन में रहेगा, दृष्टि जमीन पे रहेगा। कई लोग अपने कमर को नीचे कर लेते हैं, तो ये रॉन्ग पोजिशन है, इससे बचेंगे, वो आपके कंधे पे एक्स्ट्रा जोर लगाता है। तो शोल्डर रिस्ट एक लाइन पे, फिंगर ओपन, कमर और कंधा एक लाइन पे। अब यहां से अष्टांग नमस्कार, घुटना छाती मस्तक नीचे। इनहेल भुजंगासन, पहले मूव करें ताकि हिप जो ऊपर उठा हुआ है फ्लैट हो जाए। एल्बो थोड़ा सा भी बाहर ना हो उसका ख्याल रखें, अंदर रखें, थोड़ा ही उठना है। अगर आप ज्यादा उठते हैं तो हार्ट लंग्स मजबूत नहीं होता है, बल्कि कमर पे एक्स्ट्रा वेट पड़ता है। अब यहां से अधोमुख श्वान आसन के लिए, फिर पीछे जाएं, दोनों पांव के बीच में हिप के बराबर दूरी रहेगी और हाथों के बीच में देख रहे हैं जितना छाती है उतनी चौड़ाई में रखा गया है हाथों को। अब यहां से जिस पांव को आप ले गए, यानी राइट लेग को स्टेप फॉरवर्ड, राइट लेग ले जाएं सामने, 90 डिग्री बनाए रखना है, नहीं तो आपका लेफ्ट थाई के प्रॉपर स्ट्रेच नहीं होता है। अब यहां से दूसरे पांव को श्वास लेते हुए उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए मिला दें, पेट अंदर है, सिर नीचे की तरफ। अब श्वास लेते हुए इनहेल, लंबी स्पाइन करें, स्पाइन को लंबा करना जरूरी है, फिर पीछे जाएं और श्वास छोड़ते हुए प्रणाम स्थिति, समय स्थिति नीचे। तो ये एक राउंड हुआ। आप इस तरह से 9 राउंड मैक्सिमम करें तो काफी ज्यादा है, सही करें तो काफी ज्यादा है, 108 करने की जरूरत नहीं है। एक्सेस सूर्य नमस्कार, सूर्य नारी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सूर्य नमस्कार का एक दूसरा तरीका, जिसमें 17 स्टेप्स हैं और काफी चैलेंजिंग है अपने आप में नए साधक के लिए, जिसको समझ के ध्यान से करें। समय स्थिति, पहले पोजिशन है उत्कटासन, नी को बैंड करें, श्वास लेते हुए कान के साथ लगाएं, दृष्टि सामने, श्वास छोड़ते हुए बेंड फॉरवर्ड, आगे झुक जाएं, स्ट्रेट लाइन। एक नया तरह का सूर्य नमस्कार हो सकता है, आपने पहली बार इसको देखा हो, कर रहे हो, ध्यान से देखें। श्वास लेते हुए हेड को ऊपर उठाएं, स्पाइन देखिए लेंथनिंग हो गया, और श्वास छोड़ते हुए दोनों पांव को पीछे ले जाएं दंडासन में, फिर से 90 डिग्री बनाए रखें, यहाँ पे श्वास ले एक्स्ट्रा, श्वास छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार। कहीं कई जगह चतुरंग दंडासन भी करते हैं, तो चतुरंग दंडासन ना करके आप यहाँ पर ये कर सकते हैं। श्वास भरते हुए ऊर्ध्वमुख श्वान आसन, ऊर्ध्वमुख श्वान और भुजंग आसन दो अलग अलग चीज है। आप देख रहे हैं कि इसमें पूरे बॉडी को लिफ्ट किया गया है, शोल्डर रिस्ट एक लाइन में है, पांव की उंगलियां बाहर होगी और हवा में आपका पूरा बॉडी है, पैल्विक रीजन नीचे है, दृष्टि ऊपर है। इस तरह से इस आसन को अंजाम दिया गया है, अधोमुख श्वान आसन यहां से द्वारा। अब वीरभद्रासन वन के लिए राइट लेग को सामने लाएंगे, लेफ्ट पंजे को 45 डिग्री पर टर्न करके रखें और 90 डिग्री ऊपर उठें। वीरभद्रासन वन ऊपर, वीरभद्रासन, यस, यहां देख रहे हैं पीछे का पांव टाइट है पूरी तरह इंगेज, और 90 डिग्री पे रख करके काफी वीरभद्रासन, वॉरियर पोज इसलिए नाम है। आप इसकी पूर्ण स्थिति के लिए हाथ को मिला सकते हैं और सिर को हल्का सा पीछे करेंगे। अब यहां से वापस आए, हाथ को ठीक पांव के बगल में रखें और पांव को पीछे ले जाके दंडासन, दंडासन में अब यहां पे एक एक्स्ट्रा श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए धीरे से
फिर से अष्टांग नमस्कार, घुटना छाती मस्तक नीचे, एल्बो बॉडी के साथ चिपका के रखें। अब यहां से धीरे धीरे पहले मूव फॉरवर्ड, ये स्थिति को आगे बढ़ाएं और फिर अपर बॉडी को पूरा लिफ्ट करें, पूरी तरह से सीधा ऊर्ध्वमुख श्वानासन। ये भुजंग आसन से बिल्कुल अलग है, इसमें देखिए पूरी स्थिति हवा में है, सिर्फ पंजा उप के तल पर उठाया गया, अधोमुख श्वानासन। यहां पे आप शांत हो जाएं, दो चार ब्रेक, और इस श्वास के बाद फिर लेफ्ट साइड के लिए वीरभद्रासन प्रकार एक के लिए लेफ्ट पांव को श्वास लेते हुए सामने लाए, राइट वाला पंजा 45 डिग्री में टर्न करेंगे। अब देख रहे हैं आप 45 डिग्री, और फिर श्वास लेते हुए इनहेल अप 90 डिग्री। थोड़ा सा अगर बिगड़ रहा हो तो आपको हिप को सेंटर पॉइंट पे लाना पड़ेगा, हाथ सीधा रखें, दिक्कत होने पे सामने देखें, हार्ट बीट बढ़ सकती है अगर थोड़ा आप सिर पीछे ले जाते हैं तो। अभ्यास के बाद ही ऐसा करें, धीरे से वापसी और फिर दंडासन के लिए श्वास लें, एक्सहेल करते हुए नीचे घुटना छाती मस्तक, और श्वास लेते हुए इनहेल अप भुजंगासन। पूरा व्यापकता में इसको प्रकट करें, श्वास छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन, धीरे धीरे दोनों पांव को सामने लाएंगे, हेड अप, दोनों पांव मिला हुआ रहेगा, स्पाइन लंबी, श्वास छोड़ के हेड डाउन, और फिर यहां पर नी बेंड करेंगे उत्कटासन। जिनको तकलीफ है वो पांव को सीधा रख सकते हैं और सीधा उठ के आएंगे और वापस। आपने देखा कि करीब करीब 17 विन्यास का सूर्य नमस्कार है, और अगर आप सही सिस्टमेटिक तरीके से 2 राउंड भी इस तरह सूर्य नमस्कार कर लें तो 108 का जो फर्जी भूत चढ़ा हुआ है सूर्य नमस्कार के नाम पर मैराथन वो भूल जाएंगे। अब राइट साइड टर्न करें त्रिकोणासन के लिए, आसन अभ्यास आगे बढ़ रहा है और आप भी साथ साथ अभ्यास को जारी रखें। आपको क्या रखना है कि दोनों ही लेग लाइन पे हो, राइट साइड टर्न करें और पीछे से कंप्लीट स्विंग भी दिखा सकते हैं। अब राइट पंजा राइट साइड, हाथ ऊपर, दृष्टि राइट साइड हो जाएगा, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे और फिर नीचे की तरफ आए बिना पांव बेंड किए, दोनों शोल्डर एक लाइन पे रखना है और फिर लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएं। जैसे थोड़ा सा बॉडी आप देख रहे हैं कि इनका आगे बढ़ा है तो कंधे के लाइन पर इसको लाने के लिए मैंने थोड़ा ट्विस्ट किया ताकि आपका चेस्ट उभर जाए, दोनों कंधा एक लाइन पे हो। कई लोग नीचे झुकने के चक्कर में पोस्चर को पूरा बिगाड़ देते हैं, आपको ध्यान रखना है कि राइट को राइट पैर के साथ मिलाना है, राइट शोल्डर को लेफ्ट शोल्डर के साथ, और फिंगर ओपन, धीरे से कम बैक। जहां लगे कंफर्ट नहीं है उसको आप स्किप कर सकते हैं और आगे के अभ्यास में जुड़ सकते हैं। चेंज, हाथ ऊपर रखें, लेफ्ट पंजे को लेफ्ट साइड टर्न करें, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए मूव नीचे, पहले देखें और तय करें कि आपका लेफ्ट पॉन लेफ्ट कंधे के लाइन पे है या नहीं, फिर राइट हैंड को ऊपर उठाएं, दोनों कंधा एक साथ अलाइन रहे, फेस कीप रिलैक्स। हर व्यक्ति की अपनी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ है तो आसन में उतना ही देर रुके जितना आप सहज पाए, धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर उठें और दोनों पांव को मिला दें, सामने बने रहें। अब इसी स्थिति में फिर से पांव को खोलेंगे एक बार, और पार्श्व कोणासन के लिए हमें पांव को त्रिकोण से थोड़ा ज्यादा खोलना है, राइट वाला पंजा राइट साइड टर्न करें, कमर पे हाथ रखें, श्वास लें, नी को बैंड करें, यहां 90 डिग्री पे रखें और फिर लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैनिफेस्ट किया गया है पोस्चर को, ये बहुत जरूरी है, कुछ भी बैंड कर लेना आसन नहीं है। लेफ्ट हैंड को ऊपर देखेंगे या दृष्टि ऊपर रखने में दिक्कत हो सामने, तो ये 90 डिग्री बन रहा है, यानी नी आगे नहीं बढ़ना चाहिए एंकल के, और ये पैरेलल हो गया थाई से, इसके लिए पांव को ज्यादा इन्होंने खोला है और सेंटर पॉइंट को नीचे दबाया गया है, तब पूर्ण रूप से दोनों शोल्डर एक लाइन पे। बहुत अच्छे तरीके से सौरभ जी ने इसको सामने लाया है, धीरे से वापस आए,
चेंज राइट अंदर करेंगे, लेफ्ट को बाहर करेंगे, पाम को एडजस्ट करेंगे, तो 90 डिग्री पे पंजा आपका टर्न हो रहा है, दोनों हील लाइन पे हो, इसीलिए ये लाइन मैट पे देखें खींची गई है, तो इसे आप मैच कर सकते हैं ताकि आपका वेट प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो। अब नी को बैंड करें लेफ्ट पे और राइट लेग को पूरी तरह से ओपन करें, लेफ्ट एल्बो को लेफ्ट नी के ऊपर रखें, राइट हैंड तक दोनों शोल्डर लाइन, चेस्ट ओपन, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं राधिका ने मुद्रा भी इस्तेमाल किया है, तो मुद्रा का अर्थ यह है कि जो मन को मुग्ध कर दे, यानी अपने साथ जोड़ दे, उसे कॉन्शसनेस आपके अंदर बढ़ता है और कोई बात नहीं है। तो 90 डिग्री देखिए मैच है, एक कंफर्ट स्थिरम सुखम, यही वशिष्ठ योग आसन का प्रयास है कि आसन को सही तरीके से जिए, आसन के नाम पर एक्सरसाइज उछल कूद नहीं। धीरे से वापस आएंगे, श्वास भरते हुए आपस में दोनों पांव को जोड़ लें, अब पूरी तरह राइट साइड टर्न करके बैठे अंजनी आसन में, आप परिवृत पार्श्व कोण राइट साइड आप टर्न करें, हाँ बैठ जाए अंजनी आसन की स्थिति में, पांव को खोल देंगे, अब राइट वाले थाई को पकड़ें, लेफ्ट वाले हाथ को ऊपर करेंगे इस तरह से, अब श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट कराएं और फिर इस तरह से आप देख रहे हैं कि विपरीत नमस्कार, अगर विपरीत नमस्कार में दिक्कत हो तो आप हाथ को सिर्फ ऐसे भी रख सकते हैं, यहां से अगर कंफर्ट हो तो घुटने को ऊपर उठाएं, 90 डिग्री बनाए रखना है और फिर ट्विस्टिंग को शुरू करें, ऊपर देखें या सामने, श्वास लें छोड़ें, ये स्थिति है परिवृत पार्श्व कोणासन, जो पूरी तरह से पेट आंख को आपको हमेशा निरोग रखता है, स्पाइन के लिए बेस्ट है, और धीरे धीरे वापस आए उठना नीचे, कंप्लीट अपोजिट साइड में टर्न कर जाए मंच के साइड में, लेफ्ट को सामने लाने जस्ट टर्न लेफ्ट, अब यहां से आप देख रहे हैं कि दूसरी साइड करने के लिए हम बैठे बैठ जाए खड़ी मत में, नी को हिप के लाइन के साथ मैच करना है, लेफ्ट थाई को पकड़े और राइट हैंड को ऊपर उठाए, श्वास लेके स्पाइन लंबी किया है, श्वास छोड़ते हुए अपोजिट डायरेक्शन में टर्न करें, ट्विस्ट करें, ट्विस्टिंग हमेशा पहला नाभी से हो, फिर छाती, फिर कंधा और एल्बो को पॉइंटेड कर जमीन की तरफ, सीलिंग की तरफ, अब यहाँ पर श्वास लेते हुए मैंने घुटने को ऊपर उठा लिया, आपको कंफर्ट नहीं तो नीचे रखें, श्वास छोड़ते हुए और ट्विस्टिंग को कंप्लीट किया, धीरे धीरे श्वास ले छोड़े, बने रहे आसन, किसी को कंफर्ट नहीं इसी स्थिति में घुटना नीचे रख करके भी रह सकते, धीरे से वापस, बहुत सुंदर, और फिर से खड़े हो जाएं, शांति। तो ये आसन डिटॉक्स प्रोसेस को, यानी लीवर किडनी को खास तौर पे तैयार करता है, आपके शरीर की गंदगियों को दूर हटाता है। अब यहां से राइट साइड टर्न करें, प्रसारित पाद उत्थानासन के लिए, त्रिकोण से थोड़ा ज्यादा यानी पार्श्व कोण के बराबर खोले, कमर पे हाथ रखें, इंटरलॉक करें हाथ को पीछे, इसके चार प्रकार हैं, यहां पे हम तीसरा प्रकार करने जा रहे हैं, श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए बेंड फॉरवर्ड, हाथ को धीरे धीरे स्ट्रेच कराएं, कंधे को स्ट्रेचिंग, ये पोजीशन, अब कंफर्ट है तो हाथ को खोल के अंगूठा पकड़े, इंडेक्स मिडिल फिंगर को अंदर से लेंगे, आप श्वास लें, पहले हेड अप करें, आप देख रहे हैं इंडेक्स मिडिल फिंगर को अंदर अच्छे तरीके से प्रवेश करके फिर अंगूठा पकड़ा गया है, श्वास छोड़ते हुए बेंड फॉर, पांव को सीधा रखें, कई लोग पांव को बहुत खोल करके सिर्फ सटाने की कोशिश करते हैं, इससे पोस्चर का राइट असर नहीं हो पाता, स्पाइन को लंबी करते जाएं और सिर को नीचे, एल्बो एक्स्ट्रा इस तल पे बाहर रखें, अब श्वास लें हेड अप, श्वास छोड़ के कमर पे हाथ साथ साथ में जाएं, श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आए और श्वास छोड़ते हुए थोड़ा सा पांव की दूरी को कम करें, हम काउंटर पोस्चर यानी प्रतिक्रिया से यहां पे करेंगे पार्श्वोत्थानासन, टर्न करें राइट साइड,
श्वास कंप्लीट राइट साइड टर्न, यानी 90 डिग्री पे राइट बन जा, लेफ्ट 45 से, और आपका पेल्विक भी कंप्लीट टर्न। तो आप देख रहे हैं कि कई लोग थोड़ा सा कम टर्न होते हैं, तो कंप्लीट टर्निंग होनी चाहिए। अब यहां से श्वास ले हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए मूव फॉरवर्ड स्ट्रेट स्पाइन जैसे सूर्य नमस्कार में हमने रखा, फिर जाएंगे। अगर आपसे ज्यादा झुका नहीं जाता है तो आप थोड़ा कम पे भी इतना रुके रहें, लेकिन पांव सीधा रखें। कई लोग पांव बेंड करके झुकते हैं, दीवार फ्लोर को पकड़ते हैं, वो लाभकारी नहीं है। उससे अच्छा है पांव सीधा रखें और बने रहें। धीरे धीरे आप सांस लें, हाथ को ऊपर उठाएं और फिर अपोजिट डायरेक्शन में टर्न कर जाए पूरी तरह। यानी इस बार देख रहे हैं आपका 90 डिग्री लेफ्ट हो गया और राइट वाला 45 डिग्री पे, दोनों अलाइन है। आपका पैल्विक रीजन फ्रंट पे, कई लोग ऐसे तिरछा रखेंगे तो ये रॉन्ग पोजीशन है। तो कंप्लीट पैल्विक टर्न, आपका स्पाइन लंबा हो और चेस्ट शोल्डर एक लाइन पे हो, सांस भरें छोड़ते हुए स्ट्रेट लाइन पे, यानी आपका ज्वाइंट से आपको बेंड होना। आप देख रहे हैं 90 डिग्री पूरी तरह से बेंडिंग है, और फिर पांव को फर्म करें, नी कैप को ऊपर उठाएं और उतना ही झुके जो हमारी मर्यादा है। सिर को भी ढीला छोड़ देंगे, धीरे धीरे श्वास लगेंगे। रनर लोग हैं, दौड़ते भागते हैं, ये पोस्चर काफी इफेक्टिव है। कभी डांस करते हैं, कहीं थक हार गए हैं, ये पोस्चर तुरंत आपके थके हुए पांव को ताजगी से भर देगा। धीरे धीरे श्वास लें, इनहेल कम अप, श्वास छोड़ते हुए राइट लेग को सामने ले जाएं और मैट के सामने में समय से लिए। ये स्टैंडिंग आसन चल रहा है। पहले हमने क्या किया कि बैक, पहले हमने ओपनिंग किया, फिर सूर्य नमस्कार, उसके बाद स्टैंडिंग। अब स्टैंडिंग बैलेंसिंग के लिए हम सबसे बेसिक आसन वृक्षासन से तैयारी शुरू करते हैं। आप राइट पांव पे संतुलन करेंगे, लेफ्ट पांव को फोल्ड करें, आपका पंजा टेढ़ा नहीं रहे, लेग के लाइन पे सीधा, और फिर यहां से नमस्कार स्थिति में अपने हाथ को लाएं। आपका घुटना आपके कंधे के साथ अलाइन रहे, कई लोग ऐसे रखते हैं वो रॉन्ग है। तो पंजे को पैर के अलाइन के साथ, घुटने को इस तरह से, हाथ नमस्कार में, एल्बो बाहर की तरह, दृष्टि एक जगह। वृक्षासन में संतुलन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पांव की उंगलियां खुली हुई हो, हाथ दृष्टि एक जगह फिक्स हो कहीं सामने, ये इंपॉर्टेंट है। कई लोग अगर लग रहा है कि बैलेंस नहीं बन रहा है तो आप दीवार के बगल में, जैसे मान लीजिए मैं दीवार हूं, तो इस तरह से पकड़ करके ये संतुलन में आ सकते हैं। एक हाथ में नमस्कार रखें और बने रहें। धीरे धीरे श्वास ले छोड़े, इसमें प्रकार भी है, धीरे धीरे हाथ को ऊपर उठा सकते हैं आप, लेकिन कंधे के लाइन पे रखें, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खुल जाए तो संतुलन आपका बिगड़ जाएगा। अब धीरे धीरे हाथ को लाइन पे साइड में खोलें, कंधे के लाइन पर, श्वास ले छोड़ें। अब धीरे से वापस समय स्थिति पांव चेंज करेंगे, क्योंकि तो योग का नियम है कि जो एक पांव में करें उतना ही अंतराल पे दूसरे पांव पे। नाउ लेफ्ट लेग पे संतुलन है, राइट को आप देखें कि कैसे शोल्डर के लाइन पे रखा गया है, पंजा सीधा रखा गया है, और पांव की उंगलियां खास तौर पे आप खोलें, दृष्टि एक जगह फिक्स हो, तो एकाग्रता के लिए ये आसन काफी अच्छा है। पांव में भी मजबूती देता है और साइकोलॉजिकली आपको तैयार करता है कि विपरीत परिस्थिति में भी हम कैसे अपने आप को संतुलित रखें। तो देख सकते हैं ये संतुलन की साधना, धीरे धीरे वापस आए। बीच में अगर लगे कि आप दिक्कत हो रहा है, हाथ ऊपर खोलें आप, तो फिर वापसी कर सकते हैं पोस्चर से, कि पांव गिर गया, इसका अर्थ यह नहीं कि अभ्यास गिर गया, अभ्यास को फिर साध लेना है। और यहां से हाथ को बाजू में भी खोल सकते हैं, अलग अलग प्रकार आपके संतुलन को चैलेंज देता है। इस तरह से आप सीखते हैं कि जीवन में भी अलग अलग प्रकार से स्थितियां जब बिगड़ती जाए तब भी आपको कैसे संतुलित और शांत रहना है। पूरा देखिए एक शांति का सैलाब है, यहाँ पे एक आनंद की अनुभूति है। और फिर से नमस्कार स्थिति में हम आएंगे यहाँ पर, और धीरे धीरे हाथ को पांव को नीचे, समय स्थिति, मैट के सामने रहें। संतुलन के ऐसे कई आसन हैं, अगर आप और जोड़ना चाहें तो
तो वीरभद्र आसन प्रकार तीन या गरुड़ आसन, इस तरह के कई आसन हैं तो किया जा सकता है। अरुचंद्र आसन, यहाँ पे सूर्य नमस्कार का एक छोटा सा ट्रांजिशन करते हुए हम सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। श्वास लेते हुए हाथ को बाजू में ऊपर उठाएं, फिर श्वास छोड़ते हुए बाजू में हाथ रखें और नीचे की ओर झुक जाएं, सिर नीचे, हाथ नीचे रखिए, हाथ भी नीचे जाएगा। श्वास लें, हेड अप, श्वास छोड़ते हुए दंडासन में प्लैंक पोजीशन, यहां पे घुटना नीचे कर दें। हम वशिष्ठ आसन जो आर्म बैलेंस स्थिति है उसको करने जा रहे हैं, घुटना नीचे रखिए अपर बॉडी का। तो वशिष्ठ आसन के लिए तैयारी करेंगे आप, यहां से एक बार फिर से दंडासन के लिए घुटने को ऊपर उठाएं, अपने राइट हैंड को लेफ्ट साइड थोड़ा शिफ्ट करें ताकि सेंटर पॉइंट पे आ जाए, और फिर राइट हैंड को और लेफ्ट हाथ को कमर पे रखें, टर्न कर जाए कंप्लीट लेफ्ट साइड, राइट पे बैलेंस करना है, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका कमर ऊपर रहे, जितना कमर नीचे की तरफ जाएगा आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ये ऊंचाई पे रहे, आप दोनों कंधे को एक लाइन पे, फिंगर को ओपन रखें और दृष्टि को ऊपर या सामने रख सकते हैं। धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस अधोमुख श्वानासन में एक बार रिलैक्स। दूसरा ऑप्शन है कि घुटना नीचे रख करके भी आप इसको कर सकते हैं। नाउ इनहेल, फिर से दंडासन, अब लेफ्ट साइड बैलेंस करना है, पोजीशन लें, टर्न कर जाए, राइट साइड हैंड को रखें, आप जैसे पांव नीचे कर लीजिए, पांव नीचे करके आप कीजिए इसको, जिनको अगर लगे असुविधा हो रही कमर पर हाथ रखें, पांव को सीधा करें इसको, बस कमर पे रखें। हाँ, इस तरह से मॉडिफिकेशन में भी किया जा सकता है इसको। धीरे से वापस आएंगे अधोमुख श्वान और फिर दंडासन की तरफ बढ़ें, और यहां से एक छोटा सा विराम, धीरे से अपने पांव को नीचे करें और रिलैक्स इन मकर आसन। मकर आसन में पांव को थोड़ा खोलेंगे और कंधे को भी खोलेंगे, और आपका पूरा शोल्डर देखते हैं किस तरह से रिलैक्स आ गया है, एल्बो को बैंड है, हथेली दूसरे के ऊपर है और सिर रख करके एक तरह से विश्राम है। लगातार अभ्यास से लगे कि आप थक रहे हैं, सूर्य नाड़ी बढ़ रही हो, कहीं एफर्ट आपने लगा दिया हो, तो मकर आसन फिर से चंद्र का आवाहन कर देता है, चंद्र नाड़ी को स्थापित कर लेता है, शांति, एक मिनट। तो अब मकर आसन से आगे की ओर बढ़ते हैं, धीरे से दोनों पांव को आपस में मिलाएं, हाथ को थाई के अंदर ले जाएं और चिन्ह आपका जो टुटी है वो मैट पर है, आपका हाथ पूरा सीधा। अब यहां पर श्वास लेते हुए अपने दोनों पांव को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, किन्हीं को कंफर्ट नहीं है कि इस तरह से पांव दोनों उठा सकते हैं, तो एक पांव को नीचे रख करके आप एक पांव को हवा में उठा सकते हैं, लेकिन कंफर्ट हो तो दोनों पांव को ऊपर उठा के रखिए। रहें यहां पर, श्वास लेते रहें, देखने में ये आसान सा दिखने वाला आसन काफी चैलेंजिंग है, लोअर बैक को मजबूत करता है, पांव में मजबूती लाता है। धीरे धीरे वापस, अब हाथ को जस्ट बगल में रखें, इसके कई प्रकार है शलभासन के, जस्ट बगल में वहीं पर रखें पीछे के हाथ, और शलभासन प्रकार के लिए इंटरलॉक करें फिंगर, दोनों पांव के बीच में इस बार गैप रखेंगे थोड़ा। श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें, हाथ को पीछे स्ट्रेच करें, श्वास लें छोड़ें। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से शरीर को ऊपर उठाया गया है, दोनों पांव के बीच में गैप रखें, फेस रिलैक्स, कंधे को स्ट्रेच करने से आपका चेस्ट ओपन होता है, लंग्स हार्ट ओपनिंग से मजबूती आती है, ये बैक को भी मजबूत करेगा और एब्डोमिनल रीजन में ब्लड के फ्लो को संचार करेगा। धीरे धीरे रिलैक्स अगेन मकर आसन में, हार्ट भी बढ़ सकती है इसमें, तो इसलिए ये हार्ट के लिए लंग्स के लिए बहुत इफेक्टिव आसनों में से एक है। विमान आसन के लिए हाथ को सामने खोले थोड़ा सा, अगर आपके पास पर्याप्त दूरी हो तो हाथ को इधर भी खोल सकते हैं या ऊपर जाए। अब यहां से थोड़ा पांव भी खुला हुआ है, श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, धीरे धीरे
अपने हाथ को थोड़ा खोल सकते हैं, अपने पांव को इंगेज करें। तो आप देख रहे हैं कि पूरे शरीर को एक हवा में उठाया गया है, आपका सेंटर पॉइंट ये नाभि जो है जमीन पर है, श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, विटनेस बनना है, साक्षी, यानी आप देख रहे हैं कि इस स्थिति में जो चैलेंज है उसको फील कर रहे हैं और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस पद्मासन में रहे। तो ये बैक बेंडिंग सीरीज अब इसके साथ चल रहा है, तो ये फिर से आपको एनर्जेटिक करके प्रैक्टिस में आगे की ओर बढ़ोतरी करता है। दोनों पांव को बेंड करेंगे और धनुरासन के लिए, अगर आप धनुरासन में कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं, किसी को बैक पेन है, नी की समस्या है, तो धनुरासन ना करें। स्लिप डिस्क है, कोई भी तरह का बैक पेन, उसके जगह आप विमान को फिर से रिपीट कर सकते हैं। अब देख रहे हैं कि इस लाइन से हाथ को पकड़े, अब श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे। कई लोग क्या गलती करते हैं कि उनका नी फैल जाता है, तो नी को फैलने ना दें और एक कंफर्ट स्थिति में अपने पांव को ऊपर उठाएं, श्वास लें, छोड़ें, छाती खुलना हो तो हल्का सा पीछे ले जाएं और फिर श्वास छोड़ के वापस रिलैक्स, शांति। फिर से मकर आसन, धनुरासन करने के बाद मकर आसन में थोड़ा ज्यादा वक्त आप स्टे कीजिए, क्योंकि इसमें हार्ट बीट और ब्रीदिंग थोड़ी चेंज हो जाती है, तो जब तक शांति नहीं है शांति नहीं है तब तक बने। अब इसका एक बेसिक काउंटर के लिए हम अधोमुख श्वान आसन के लिए आएंगे। अतिथि को छाती के पास रखें, पांव के लिए अंदर, श्वास लें, हिप को ऊपर उठाएं, नी को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ के हिप को पॉइंटेड आउट करें पीछे की तरफ, कंधा नीचे की ओर। तो अगर बैक बेंड करें तो नी को जरूर बेंड करें, ताकि आपका स्पाइन देखिए यहाँ पूरा सीधा हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। यहाँ नी बेंड किया गया लेकिन कंधे को दबाया नहीं गया, तो आप इस तरह से कंधे को प्रेस करें, देखिए अंतर। तो ये सब छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं, अगर उसको आप सुधार करते हैं तो आपका पोस्चर बहुत ज्यादा रिजल्ट देने वाला हो जाता है। शशांक आसन के लिए नी को वाइड करें और फिर आगे झुक जाएं, घुटने को फैला करके और फिर आगे बढ़े, तो ये बैक को तुरंत रिलीव कर देता है। देखिए जिनको इनको थोड़ा सा नी में प्रॉब्लम है, तो इन्होंने 90 डिग्री बना रखा है, तो आपको भी अगर नी में प्रॉब्लम हो तो एकदम से घुटना या वज्रासन की स्थिति में ना बैठे, 90 डिग्री भी बना करके आप अपनी स्पाइन को पूरी तरह खोल सकते हैं और रिलीव कर सकते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन है जो वशिष्ठ योग आश्रम में हम बताते रहते हैं कि पोस्चर को एग्जैक्ट नहीं कर सके तो आप उसमें सुधार कर मॉडिफाइड करके कर सकते हैं। धीरे से बैठ जाएं। अब इसका और काउंटर करने के लिए यहाँ ट्विस्टिंग जोड़ते हैं, अर्धमत्स्यासन के लिए दोनों पांव को सामने खोलें, अपने राइट पांव को बेंड करके अपने करीब लाएं, फिर राइट पांव को लेफ्ट साइड में रखें, जिनको कंफर्ट नहीं है वो इस साइड भी रख सकते हैं, लेफ्ट पांव को बेंड करें पीछे ले जाएं, किसी को घुटने का दर्द हो, पांव मोड़ने में प्रॉब्लम हो तो सीधा रख सकते हैं। अब श्वास लेके अपोजिट हैंड को ऊपर उठाएं, लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, अगर राइट लेग ऊपर है तो लेफ्ट हैंड, फिर श्वास छोड़ेंगे, ट्विस्ट कराएंगे और इस तरह से हाथ को आशीर्वादी मुद्रा में रख करके राइट हैंड को पीछे ले जाएं, और जब तक आप देख रहे हैं कि ये शोल्डर को अलाइन किया गया है और इसके लिए स्पाइन पहले सीधी करें। कई लोग स्पाइन को ड्रॉप करके रहते हैं ऐसा, तो ये रॉन्ग पोस्चर नुकसानदायक है। स्पाइन सीधी करें, दोनों कंधा एक लाइन पे, आपको ट्विस्टिंग जो हमेशा श्वास छोड़ते हुए नाभि से फिर छाती फिर कंधा लास्ट में नेक ट्विस्ट है, और ये आशीर्वादी मुद्रा में। कई लोग पांव को पकड़ने के चक्कर में पोस्चर को इस तरह से बिगाड़ देते हैं, कोई फायदा नहीं, इसलिए पांव को पकड़ने की कोशिश ना करें, बस इस तरह रहें, आपको अंजाम जो है वो पूरी तरह इसका रिजल्ट जो है मिल जाएगा। अब धीरे से वापस आएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, टर्न कर जाएं दूसरी साइड, तो पांव बदल गया है, हाथ भी बदल जाएगा, श्वास ले ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करें, फिर स्पाइन के बाद सीधी करें और फाइनल ट्विस्टिंग को नाभि छाती और फिर कंधा लास्ट में गर्दन को ट्विस्ट करें। स्पाइन सीधी नहीं हो तो ट्विस्टिंग का कोई मतलब नहीं, श्वास लेते छोड़ते रहें। अब जितने समय आप एक साइड रुके उतना ही काल आप जीता, दूसरे साइड को भी करते रहना है। अब धीरे धीरे वापस आए, पांव को
खोल के जानु शीर्षासन के लिए अपने राइट पाँव को बेंड करें, लेफ्ट को सीधा सामने करें, दाहिना बेंड रहेगा लेफ्ट को सामने करें। तो ये सब अब फॉरवर्ड बेंडिंग के तरफ जा रहे हैं, बीच में ट्रांजिशन एक ट्विस्टिंग है। ट्विस्टिंग आसन स्पाइन के लिए अच्छा है, कुंडलिनी शक्ति के जागरण को बैलेंस करने के लिए अच्छा है, लीवर किडनी पेट आंत के रोगी भी नियमित करें, करेंगे तो बीमार ना पड़ेंगे। और बैक बेंड करने के बाद ऐसा करने से आपका पूरा स्पाइन और मसल रिलीफ हो जाता है। तो ये 90 डिग्री देख रहे हैं कि इन्होंने बनाया है, ये आवश्यक है। एंकल अंदर की तरफ है, कई लोग ऐसे ड्रॉप करते हैं या पांव को इस तरह से गिरा के छोड़ देते हैं, तो वो स्थिति सही नहीं है। एंकल अंदर करें, अब श्वास लें हाथ ऊपर। तो हाथ ऊपर करना एक रिचुअल्स नहीं बल्कि ये तैयारी है कि देखिए कि स्पाइन को कैसे सीधा किया गया। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए एक लंबाई में पहले आगे बढ़ना। कई लोग सिर्फ दिमाग में रहता है कि उनको घुटना पर चिपकाना, नहीं, यहां आगे बढ़ना। यहां देखिए घुटने से आगे की यात्रा हो चुकी है, आप घुटना में रहेंगे तो ये स्पाइन कर्व हो जाएगा, ऐसा टेढ़ा जैसा दिखेगा। इसीलिए लंबाई आगे बढ़ाना है। आपको कंफर्ट है, जैसे इनको कंफर्ट है तो इस तरह से इंटरलॉक कर सकते हैं फिंगर को, और इससे शोल्डर में भी स्ट्रेच शुरू हो गया। इन्होंने मॉडिफिकेशन किया है, आप देख सकते हैं अपनी सुविधा का ख्याल रख करके। ज्यादा झुकना कोई मोक्ष की गारंटी नहीं है, तो इन्होंने किया कंफर्ट स्थिरम सुखम आसन, इसको ध्यान में रख करके कम झुकी है, लेकिन अपनी स्पाइन को इन्होंने सीधा रखा है। यही होशियारी है साधना की। श्वास लेते हुए ऊपर आए, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, पांव की स्थिति चेंज करें। फिर से श्वास भरें। तो हर बार जब शरीर विस्तार देता है, ब्रह्मानंदना का वीडियो है कि कब श्वास आसन में लें और छोड़ें, उसको जरूर देखें। श्वास छोड़ते हुए फिर आगे बढ़ें। कई लोगों का पांव थोड़ा तिरछा होता है, तो ध्यान में रखना है कि हमारा पांव हमेशा हिप के लाइन पर एक साथ। श्वास लेते छोड़ते रहें। तो यहां पे देखिए कि हर बॉडी अलग अलग है, उनकी आसन की स्थिति अलग है। इन्होंने बहुत अच्छे से अपने शरीर की मर्यादा का ख्याल में रख करके अपने आप को थोड़ा कम ही झुकाया है, लेकिन स्पाइन को सीधा रखा हुआ है। कंफर्ट होना जरूरी है, श्वास लेते रहना है। समय की साधना में, अभ्यास में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी बाय प्रोडक्ट है स्थिर होना, सुखमय होना। कंफर्ट एंड जॉय इज एक्चुअल में योगासन। अब श्वास लेते हुए इनहेल कम अप, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, दोनों पांव आगे। अब पश्चिमोत्तानासन करेंगे, तो इमीडिएट पश्चिमोत्तानासन नहीं करना, इतनी तैयारी के बाद देखिए हम पश्चिमोत्तान में आए हैं, जो काफी इफेक्टिव है। फुल बॉडी स्ट्रेच है, आपके पेट आंत के लिए बेस्ट है, पेनक्रियास के लिए अच्छा है, डायबिटीज वाले भी कर सकते हैं, पेट आंत के रोगी भी कर सकते हैं। श्वास लें, हैंड्स अप, दोनों हाथ के बीच में गैप रखें। श्वास छोड़ते हुए फिर से ज्वाइंट से मुड़ना है, कई लोग स्पाइन को कर्व कर देते हैं, वो ना करें। आगे सिर नीचे की तरफ, अब यहाँ एफर्ट छोड़ दें, जैसा शास्त्र कहता है प्रयत्न शैथल्य, यानी आसन में प्रयत्न नहीं करना है। प्रयत्न करने से सूर्य नाड़ी जुड़ जाएगी, लेकिन आपको कई लोग उछाल कूद कुदा रहे हैं, तो यह प्रयत्न है, यह प्रयत्न से सूर्य नाड़ी बढ़ेगी और लेने के देने पड़ जाएंगे। यहाँ शांति है, स्थिरता है, इस स्थिति में बने रहे, बहुत अच्छा सा वातावरण है। आश्रम में साधना का एक अपना महत्व है। अब श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें। इस आसन में अपनी सुविधा के हिसाब से आप ज्यादा समय भी रुक सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, अब हिप थाई स्ट्रेच की तरफ फिर से बढ़ेंगे और बद्ध कोणासन के लिए दोनों पांव को बैंड करें, सोल ऑफ हिप को एक लाइन से लगाएं। तो आप देख रहे हैं कि अब सेक्शन चेंज हो गया आसन का नेचर के साथ। हिप थाई ओपनिंग क्या करता है, वो आपके अंदर क्रिएटिविटी पॉजिटिविटी को बढ़ाता है, क्योंकि यह स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करने में सहयोगी है। और स्वाधिष्ठान चक्र आपके अंदर पर्सनालिटी जो है क्रिएटिविटी एंड पॉजिटिविटी का है। अगर आपके अंदर निगेटिव एनर्जी ज्यादा दिख रहा हो तो आप इस तरह से बद्ध कोणासन, जैसे पोस्चर, उपविष्ट कोणासन, कोणासन जरूर करें। अब श्वास लें, स्पाइन लंबी, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़े। देखिए दो स्थिति है, इनका घुटना नीचे चला गया, उनका घुटना ऊपर है, इसलिए हर बॉडी अलग है।
हमको तुलना नहीं करना है, स्पाइन को लंबी करके आगे झुकना है। धीरे धीरे शांत होकर के श्वास लेते छोड़ते रहें। श्वास भरें, वापस आएं। अब हम उभयपाद अंगुष्ठासन के लिए दोनों पांव को मिलाएं आपस में, अंगूठा पकड़ें। अब देखें एक पोस्चर को करने की तैयारी है, उभयपाद अंगुष्ठासन, नीको बैंड करें, नीको बैंड सब लोग, और फिर अंगूठा पकड़ें। अगर किसी को देख रहे हैं कि इन्होंने बाहर से हाथ पकड़ा है, इनका हाथ अंदर है, कारण कि कई लोग इस तरह से फील नहीं करते हैं पकड़ना, तो ऐसी स्थिति में अंदर से पकड़ेंगे। अब श्वास लेकर के एक पांव को ऊपर उठाएं, राइट वाले को हमने नी बैंड करके उठाया, और फिर दूसरे पांव को उठाएंगे, और धीरे धीरे पहले बैंड रखें और फिर धीरे धीरे ओपन करें। तो आप देखिए यहाँ पे 17-18 साल के लड़के भी हैं, 65-70 लाख साल के भी लोग हैं, लेकिन उम्र कोई बहाना नहीं बनना चाहिए। आसन किसी भी एज में आप शुरू कर सकते हैं, और बड़ा परिवर्तन है। वह बात करना है, यहाँ से कोणासन के लिए धीरे धीरे पांव को खोलेंगे, हल्का जहाँ तक कंफर्ट हो, क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं है तो थोड़ा ही खोलें, अदरवाइज पांव को आप पूरा विस्तार दें। यानी अगर हम ये दिखाएं आपको इस स्थिति में हम पांव को, मेरे पास स्पेस ज़्यादा है तो ज़्यादा खोल सकते हैं, यहाँ पर एक दूसरे से लड़े नहीं तो कम खोला गया, फिर से वापस मिलाएं उभयपाद अंगुष्ठासन के लिए, और फिर बैंड करके सुखासन की स्थिति में साधक स्पाइन सीधी रखें, आंखें बंद करके विश्राम। जहाँ भी लगे कि थोड़ा सा भी एफर्ट आ गया, बीच में ठहर जाना है, फिर से चंद्र का आह्वान कर लेना है। ऐसे ही आदि गुरु शिव के सिर पर चंद्र को नहीं दिखाया गया, बल्कि उसका प्रतीक है कि सूर्य यानी प्रयत्न आसन में नहीं हो, वो आपकी नाड़ी को डिस्टर्ब कर सकता है और उससे कई तरह की समस्याएं क्रिएट हो सकती है। सूर्य नाड़ी से क्या समस्या है, चंद्र नाड़ी कैसे कलयुग में वरदान है, इसके लिए वीडियो है, आप उसको लगातार देखते रहें। तो इस श्रृंखला को अभ्यास की आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ पर हम आसन में लेट जाएंगे। लेट से लेट कर करने वाले आसन के लिए शवासन में लेटे, इधर ही रखें पांव को सब लोग सामने की तरफ, जस्ट लेट जाए। अब यहाँ पर हम लोग कोर स्ट्रेंथ यानी नाभि शक्ति विकास के लिए मणिपुर चक्र, जैसे अभी मैंने कहा हिप थाई ओपनिंग, जहाँ आपका स्वादिष्टान चक्र को एक्टिव करके क्रिएटिविटी पॉजिटिविटी लाता है, वही मणिपुर चक्र आपके अंदर एक सेल्फ स्टीम स्वाभिमान का भाव कॉन्फिडेंस का भाव करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पांव को मिला लें आपस में, हाथ को हिप के अंदर ले जाएं और अंगूठे को इस तरह से ओवरलैप करें, पूरा उत्तान पाद आसन की तैयारी। दोनों हाथ पूरी तरह से सीधा रहे, जैसे इनका थोड़ा बेंड है तो अंदर की तरफ ले जाने की जरूरत, सीधा हो जाए, हिप के अंदर ले जाए, फिर पांव को सीधा करें, हाथ को अंदर ले जाए हिप के, ये हाँ इसीलिए अंदर ले जा रहे हैं ताकि अभी पांव उठेगा तो कमर पे वेट आ सकता है, ये सपोर्ट देगा कमर को। अब धीरे से श्वास लेकर के दोनों पांव को उठाएं। अगर किसी को लगे जैसे अभी स्ट्रेंथ उतना नहीं है, थोड़ा सा उठाना है, हल्का सा पांव उठाएं, और धीरे धीरे जैसे ज़्यादा पांव उठाएं तो थोड़ा सा उठाना है, जमीन से हल्का सा ऊंचा, तब वो ज़्यादा आपको मजबूत करेगा। जैसे कुछ कुछ साधकों ने काफ़ी ऊंचा कर लिया है, वो नहीं होना चाहिए, थोड़ा नहीं, आप नीचे कीजिए पांव, हाँ। अब धीरे धीरे वापस आएं, रिलैक्स। तो पांव को ज़्यादा इसमें नहीं उठाना है, थोड़ा सा जमीन से ऊपर करेंगे, हाथ बाहर कर लें, बाजू में रखिए। अब हम जो करने जा रहे हैं कोर स्ट्रेंथ की हर प्रैक्टिस, बैक पेन वाले या स्पाइन की समस्या वाले हरगिज ना करें। अब दोनों पांव को मिलाएंगे अर्धनवासन के लिए, अपने सिर को पांव को ऊपर उठाएंगे, हाथ को बाजू में खोलेंगे, इनहेल अप, थोड़ा सा उठना है, जिसे इन्होंने फिर ज्यादा उठाया है उससे आपको नाभि पे कम चैलेंज आता है, थोड़ा उठाएंगे और एक नाव की तरह बॉडी को बनाएंगे, सिर ऊपर है, हाथ को बाजू में रखना है, फेस रिलैक्स रखें, बाजू में रखें, दूसरे के सामने आने, असम से आए कभी कभी मेरी हिंदी वाजिब तौर पे चैलेंज एक अलग बन जाती है। धीरे धीरे वापस नीचे लेट जाएं, रिलैक्स, काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन नाभि पे फील होगा आपको, लेकिन ये मजबूती देगा, भूल करके भी बैक पेन वाले इसको ना करें, शांत हो जाए, जब रिलैक्स हो जाए आपका त
तब जाकर के अब इसके काउंटर पोस्टर के तल पर हम सेतु बंध आसन करेंगे। दोनों पांव को बैंड करें, हाथ को बाजू में रखें। प्राणायाम आसन के बाद की श्रृंखला, इसलिए प्राणायाम जो है वो आप हमेशा आसन और फाइनल शवासन करने के बाद ही करें। सेतु बंध के लिए दोनों पांव के बीच में गैप रहेगा, आप देख रहे हैं इनके पांव की दूरी कम है तो ये गलत स्थिति है, तो हिप के बराबर डिस्टेंस पे रखना है। बाजू में हाथ रहे, आपका हिप और हील कितना दूरी पे हो तो चार उंगली की दूरी पे कम से कम दूरी हो। अब श्वास लेते हुए ऊपर उठाएंगे। कई लोग अपने पांव को हिलाते हैं तो वो नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ पंजे को दबाते हुए धीरे धीरे अपने बॉडी को उठाना है, गर्दन को नहीं हिलाना है। गर्दन स्थिर रहे, अब इंटरलॉक करें जिससे कंधा और स्ट्रेच हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पांव की स्थिति थोड़ी सी आगे बढ़ी है तो उसको पीछे लाएंगे। अब हाथ को सपोर्ट देंगे बैक को, तो थाई स्ट्रेच होना चाहिए, पैल्विक को मजबूत करेगा और इसको आगे ज्यादा फैलाने से आपको दिक्कत आएगी। सेतु बंध सर्वांग आसन श्रेणी में अगर इस आसन को करते हैं तो प्रोस्टेट की समस्या नहीं होगी, आपका पैल्विक मजबूत रहेगा। आप देख रहे हैं पहली बार हार्ट नीचे चला गया, हार्ट ऊपर हो गया, सिर नीचे चला गया, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है ब्रेन के लिए, थायराइड के लिए अच्छा है, लंग्स हार्ट के लिए अच्छा है, किडनी के लिए अच्छा है और ब्लाडर के लिए, यूरिनरी ब्लाडर, प्रोस्टेट की समस्या के लिए या पीरियड में क्रैम्प होता है उन तमाम चीज़ों के लिए, मतलब सभी अंग के लिए इफेक्टिव है। बैक पेन वाले भी कर सकते हैं। धीरे से वशिष्ठ प्राणायाम को इसमें लगातार किया जा रहा है और धीरे धीरे आप हाथ को नीचे रखें तो आप देखिए उम्र कोई बाधा नहीं है, हर व्यक्ति करें। धीरे धीरे वापस आएँ श्वास छोड़ के, फिर इसका काउंटर पोस्चर करना है ताकि बैक पे कोई स्ट्रेन रह गया हो तो वापस आए। अपान आसन करेंगे, दोनों पांव को बैंड करेंगे और श्वास छोड़ते हुए नोज को बाहर की तरफ ले जाएंगे। की ब्रीदिंग। अपान आसन की एक और स्थिति है, कई लोग थोड़े ज्यादा वेट होगा, पेट होगा तो अगर दोनों पांव को इस तरफ फोल्ड नहीं कर सके तो यहाँ एक पाद अपान आसन के लिए अपने बाएं पांव को सब साधक खोलें और दाहिने को टाइटली हग रखें, बायां को खोलना है, लेफ्ट लेग ओपन, राइट की बेंडेड, हाँ आप देख सकते हैं इससे थाई हिप फ्लेक्सेस में ओपनिंग आती है। अब धीरे धीरे चेंज करें, अपने राइट पांव को फोल्ड करके जमीन पे रखें, जमीन पे रखें और लेफ्ट को फोल्ड करें, पूरा पांव सीधा हो, यहाँ पे फोल्ड किया गया, किसी किसी को ज़्यादा लगता हो स्ट्रेन आ रहा है इस तरह फोल्ड कर सकते, नहीं तो सीधा रहे, तो ये हिप फ्लेक्सेस को रिलीव करता है। घुटने के पेन वाले भी कर सकते हैं, बैक पेन वाले भी कर सकते हैं, तो इसको जरूर ध्यान रखें। फिर यहाँ पर लेट जाएँ शवासन की स्थिति में शांत। तो अगर फिनिशिंग पोजिशन में अब हम शुरुआत किए तो सेतु बंध में आ गए, तो ये फिनिशिंग सीक्वेंस में हम पहुंच चुके हैं, आसनों का फिनिशिंग सीक्वेंस, तो एक क्रम है, एक विज्ञान है योगासन का, उस क्रम के साथ हमें करना है। प्रॉपर सीक्वेंस ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी समय पे रिजल्ट देता है। ठीक उसी तरह जैसे अहमदाबाद से दिल्ली जाना हो और हमारे पास हवाई जहाज हो तो हम कम वक्त में पहुँच सकते हैं, बैलगाड़ी हो तो नहीं पहुँच सकते हैं। एक्सरसाइज बैलगाड़ी है, आपको बहुत समय लगेगा, चोटिल भी होंगे, धूप भी खानी पड़ेगी, हवाओं के थपेड़े भी झेलने पड़ेंगे, इसलिए योग एक हवाई यात्रा है अध्यात्म की, तन की मन की, उसको आप थामे रहें। शवासन में शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ देते हैं, यहाँ एक अल्प विराम है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अभ्यास को आगे ले जाएंगे। फिनिशिंग सीक्वेंस में अभी शवासन पे हैं हम लोग, सेतुबंध आसन अपान आसन के बाद। अगर आप फिनिशिंग सीक्वेंस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप शीर्षासन जोड़ सकते हैं, शीर्षासन ना कर जानते हो तो सर्वांग आसन करें, मत्स्यासन करें, हलासन करें, इस तरह जोड़ सकते हैं। शीर्षासन के बाद जरूर सर्वांग आसन काउंटर पोस्चर के तल पर जरूर करें बालक आसन के साथ। तो धीरे से लेफ्ट टर्न लेंगे सभी साधक और बैठ जाएं सुखासन स्थिति में, और जिनको, हर व्यक्ति को शीर्षासन नहीं करना है, जिनको अगर गर्दन का दर्द हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, बैक पेन हो, कंधे की चोट हो, ऐसे लोग शीर्षासन भूल कर ना करें। अगर आपने ठीक ठीक सही सानिध्य में शीर्षासन नहीं सीखा है तो भी ना करें।
क्योंकि सिद्धासन एक प्रॉपर अलाइनमेंट है। कुछ कुछ लोगों को मॉडिफिकेशन वशिष्ठ आसन में बताया गया उसके हिसाब से। नाउ सिद्धासन की तैयारी, बालक आसन में आ जाए, वहां से ट्राइपॉड सिचुएशन में आप सिद्धासन कर सकते हैं या हथेली को ओपन करके, जो जिनको कंफर्ट है। पूर्ण शीर्षासन में आने की जरूरी नहीं है, आप हाँ भी कर सकते हैं। जो शीर्षासन में नहीं आ सकते वो बालक आसन में रेस्ट करेंगे, बालक आसन में बाकी लोग रेस्ट करेंगे। ये भी फिनिशिंग सीक्वेंस का एक है, शीर्षासन की तैयारी बाकी लोग करें, धीरे धीरे शीर्षासन में आना शुरू करें अपने सीमाओं के साथ। तो धीरे धीरे ध्यान रखना है कि आपका शोल्डर देखिए एक लाइन पर है, धीरे धीरे पांव को फोल्ड करके फिर उठाएं। ये शीर्षासन की स्थिति देखिए, यहाँ पर ट्राइपॉड शीर्षासन ये सबसे आसान जरिया है, इन्होंने जस्ट एक दिन में ही इस शीर्षासन को हासिल किया है। तो ये जरिया है, अगर आप चाहें यहाँ पर एक पांव को उठाइए धीरे 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 धीरे, आप देख रहे हैं, और फिर वापस कंफर्ट ना हो तो तुरंत आप वापस बालक आसन में आ सकते हैं। ये मॉडिफिकेशन है, थोड़ा शीर्षासन जैसे इन्होंने किया है, हल्का सा पैर पीछे की तरफ है, उससे कमर पे वेट आएगा, तो उससे अच्छा है पैर को थोड़ा इधर रखें। तो ये शीर्षासन का तरीका है, इन्होंने भी ट्राइपॉड शीर्षासन, ये सबसे आसान है। आप शीर्षासन का वीडियो यूट्यूब पे अलग से मेरा योग गुरु धीरे चैनल पे देखिए कि कैसे इसको हासिल करना है। ये सब ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम किया है। यहाँ पे देखिए ट्राइपॉड शीर्षासन का एक पूर्ण स्थिति है, लेकिन हल्का एल्बो बाहर की तरफ है, इसको अवॉइड करें, अंदर करें, हथेली को भी अंदर करें। जब वापस आना हो तो नी को बैंड करें ना, और फिर हील को आप हिप के तरफ छोड़ें, फिर नी को छाती की तरफ ले जाएं, फिर एक पांव को नीचे करें, या इस तरह से रेस्ट दे सकते हैं जैसे इन्होंने दिया है, और फिर वापस आएँ। आ जाए वापस सभी लोग, धीरे धीरे आप नी को फोल्ड करके आएंगे धीरे धीरे या सीधी। ये थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग स्थिति होती है जब आप पांव को इस तरह से सीधा लेकर के आते हैं, धीरे धीरे रेस्ट जैसे आएंगे। पहला जो काउंटर है बालक आसन, इसी स्थिति में रहेंगे, लेकिन फाइनल काउंटर ये शीर्षासन का नहीं है, इसके लिए उठेंगे और लेट जाएं, फिर से शवासन स्थिति में सर्वांग आसन की तैयारी। ये फिनिशिंग सीक्वेंस चल रहा है, जो आसन अभ्यास के बाद फिनिशिंग सीक्वेंस आपकी चंद्र नाड़ी को ज्यादा एक्टिवेट करेगी, और साथ साथ जो एक्शन से आपने एनर्जी क्रिएट की है योगासन अभ्यास से, उसको स्टोर करने की ये पूरी प्रोसेस है कि आपने कमाई की, अब उसको जमा करना। अब यहाँ पे दोनों पांव को मिलाएं, अब धीरे से दोनों पांव को बैंड करें, ये सबसे आसान तरीका है सर्वांगासन में जाने के लिए। अब धीरे धीरे आप उठे, सपोर्ट दे बैक को, पूरा उंगली दसों खुल जाए, पहले एल्बो को नी को बैंड रखें, नी को ऊपर उठाएं, फिर धीरे धीरे पांव को पॉइंटेड करें बहुत अच्छे तरीके से सर्वांगासन। थोड़ा सा देखिए पांव पूरा सीधा है, एकदम धड़ के साथ मिला हुआ है पूरा, और इन्होंने थोड़ा सा तिरछा रखा है, ये भी बेहतर है। ऐसा नहीं कि एकदम से सीधा होना चाहिए, ये बैक पे प्रेशर को रिमूव करता है, थोड़ा सा तिरछा होने से आप ज्यादा मैनेज कर सकते हैं, ज्यादा सर्वांगासन में टिक सकते हैं। कितना समय टिकना उपयोगी है, जो सहजता मिनिमम 1 से 3 मिनट अगर आप रुकते हैं तो ब्लड का प्रॉपर सर्कुलेशन आपको हो जाता है सभी अंगों की तरफ, खासतौर पर थायराइड के लिए। लेकिन कंधे का, गर्दन का, स्पाइन का प्रॉब्लम हो, बैक पेन हो, दूर के ना करें। हलासन के लिए धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आप जमीन के तरफ ले जाएं, जिनको लगे कि सीधा पांव रखने में दिक्कत है, बैक को सपोर्ट बनाए रखें, बैक को सपोर्ट बनाए रखें, तो आप पांव को बेंड कर सकते हैं नी से। जैसे इन्होंने यहाँ पर रत्ना जी ने अपने पांव को थोड़ा रखा हुआ है बैंड करके, अगर कंफर्ट नहीं है, काम हो रहा है, जस्ट पांव को खोलने से बहुत बड़ा अंतर नहीं आता है। अब धीरे धीरे बैक को नीचे ले जाएं और फिर लेट जाएं, धीरे धीरे पांव को जमीन में रखें, फिर शवासन करें। तो हमने काउंटर पोस्चर के लिए सर्वांगासन जो है शीर्षासन का काउंटर है, लेकिन अगर अलग से आप सर्वांगासन ही सिर्फ करते हैं शीर्षासन नहीं, तो भी मत्स्यासन जो सर्वांग का काउंटर है उसको करना जरूर रखें। मत्स्यासन के लिए दोनों हाथ को हिप के अंदर ले जाए, अंगूठा दूसरी ऊपर हो जाए, हाथ सीधा है, फिर पांव को सीधा करें, आपका हाथ बाहर की तरफ है और अंदर ले जाए, पूरा हाथ अंदर जाना। अब यहाँ से धीरे धीरे आप अपने अपर बॉडी को देखिए, इन्होंने उठाया है यहाँ पर, पहले आप इस तरह से बॉडी, कई लोग घसीट के करते हैं वो नहीं, छाती को मारिए, फिर गर्दन को फोल्ड करके सिर नीचे,
आंखें बंद हो जाएगा, आपके गले में स्ट्रेच होगा, थायराइड रीजन के लिए इफेक्टिव है और चेहरे के लिए अच्छा है और लंग्स को, हार्ट को ओपन करता है, किडनी के लिए अच्छा है। और ये ऐसा मौका है जब आपका हार्ट लंग्स खुला ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा श्वास लेते हुए पूरी कीजिए। ये पूरी स्थिति को देखें, मस्तासन की, चेहरे के सौंदर्य के लिए भी अच्छा है। अब यहाँ से धीरे से श्वास लेंगे, पहले सिर को ऊपर करें, बैक को ऊपर करें, श्वास छोड़ते हैं, ड्रॉप अगेन हवा। कुछ समझ में नहीं आए फिनिशिंग सीक्वेंस में क्या करें तो कम से कम जरूर शवासन करें। खुला स्थान है आश्रम का तो हवाओं की जो आवाज़ आ रही है उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। पत्तों की सरसराहट भी होगी, पतझड़ का भी थोड़ा थोड़ा बहार है, तो ये तमाम चीज नेचुरल प्राकृतिक जगह पर जब आप होते हैं तो आपको इसके साथ आनंद लेना पड़ता है। अब यहाँ पर हम लोग इसे लेफ्टर ले बैठ जाए। अगर आप आगे फिनिशिंग सीक्वेंस को नहीं जाना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पर शवासन को लंग कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे योग मुद्रा के वज्रासन, सुखासन या पद्मासन, जिनको जो स्थिति आती है। योग मुद्रा एनर्जी स्टोर करने का प्रोसेस है, योगासन करने के साथ जो आपने ऊर्जा की कमाई की है उसका बैंक बैलेंस है योग मुद्रा। तो बैंक बैलेंस के लिए आप सभी लोग तैयार रहे। आप हाथ को पीछे इस तरह से ले जाके लॉक कर सकते हैं, जैसे बायां हाथ को मैंने दाहिने से पकड़ा है और मुद्रा ज्ञान को रखा है। जिनको कंफर्ट नहीं रहेगा तो वो आगे आगे रख सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए स्पाइन सीधे रखिए आगे। वज्रासन, सुखासन या पद्मासन, तीनों में से कोई भी चीज रखिए। सरेंडर कर रहे हैं आप, जिनका सिर नहीं लग सकता तब वो ऐसी स्थिति में अपने हाथ का सपोर्ट दे सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इनका सिर नहीं लग पा रहा है तो ये कंफर्ट स्थिति में रिलैक्स नहीं हो पाएंगे, तो आप इस तरह से फोल्ड करें, ऐसे इस तरह से अंगूठा एक के ऊपर एक, हाँ, एंड रिलैक्स। तो यहाँ पर आप कंफर्ट में रुके रहें कुछ देर, सांस लें छोड़े, एक से दो मिनट करने के बाद योग मुद्रा से वापस आएंगे एंड आप इस सुखासन में फिर से या दूसरी स्थिति में बैठ जाएं। यहाँ से आप एक पूरे योगासन में आपको लगे कि थकावट आपको हुई है, अगर स्थिरता कंफर्ट से करेंगे बिना प्रयत्न के तो बिल्कुल थकेंगे नहीं। तो आप ट्रांजिशन के लिए एक दो मिनट शवासन कर सकते हैं, फिर प्राणायाम पूरा निर्देशन में करके फिर कंप्लीट शवासन जाएं। दोनों के निर्देशन के अलग वीडियो हैं, आप प्राणायाम के वीडियो को निर्देशन में कमेंट में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। उसके बाद आप प्राणायाम के निर्देशन वाले वीडियो 10 मिनट 15 मिनट 30 मिनट सब हैं, आप उसको हमारे कमांड निर्देशन के साथ कर सकते हैं काउंटिंग में, या शवासन में जाना चाहते हैं उसके भी निर्देशन के वीडियो हैं। तो आज वशिष्ठ योगाश्रम से इतना ही। आप नियमित अभ्यास को इस वीडियो के साथ जरूर करें। हम सभी साधकों का जो यहाँ पर अभ्यासरत हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। गुरु भगवान वशिष्ठ आपका जीवन स्वस्थ रखें, मंगल रखें, योग में रखें और आप उन्नति के पथ पर चलें। धन्यवाद।